Today, now listen students, today I'm going to start topic of civics lesson power sharing. In this chapter you will read about Belgium and Sri Lanka, ethnic variation of Belgium and ethnic variation of Sri Lanka. One mark question ho, one mark questions can be framed from this chapter. So first of all, Belgium. For Belgium, you have to learn capital city of Belgium, that's Brussels. Capital city of Belgium, Brussels. And in your chapter, Belgium is compared with Haryana state. Haryana state of India, population of Belgium is half than our Haryana state. Belgium ki unhone population 1 crore batayi hui hai, it means Haryana ki population 2 crore. Pucha ja sakta hai ki with which state it is Belgium is compared, with which Indian state, kaun si Indian state ke sath ise compare kiya gaya, Haryana state. So Belgium is a small country of Europe. कॉन्टिनेंट पूछा जा सकता है, कहाँ की कंट्री है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, किस कॉन्टिनेंट में है बेल्जियम, यूरोप. तो लर्न लाइक दिस, कैपिटल सिटी पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन एंड देन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यूरोप. नेक्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, यू शुड नो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम. नेबरिंग कंट्रीज में आप बताओगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्जमबर्ग. फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्जमबर्ग. अब मैं आपको इसको कैसे देना है, जैसे मैं बताती हूँ, एक मिनट, इस फॉर्म में आ सकता है. विच इज करेक्ट, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, विच ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ लिसन केयरफुली, बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज अब मैं बोलूंगी, लिसन केयरफुली. अभी मैं बोल रही हूँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्जमबर्ग. यू नो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब मैं बोल रही हूँ लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी. यहाँ पे मैंने कौन सी गलत बोल दी, एक ऑस्ट्रेलिया. तो इट मींस आपको तीन, जो चार ऑप्शंस हैं, तीन उसमें से गलत देके एक ठीक देके पूछा जा सकता है विच इज द करेक्ट. तो अगर आपको नेबरिंग कंट्रीज पता ही नहीं होगी, आप कैसे सिलेक्ट करोगे फिर ऑप्शन. तो यू शुड नो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लक्जमबर्ग. तो इसके बाद आ जाती है वहां पे एथनिक वेरिएशन. यहाँ पे आपको उनके टू रीजन्स भी लर्न करने हैं, वेलोनिया एंड फ्लेमिश. कैपिटल सिटी पता है ना सबको, ब्रुसेल्स. टू रीजन्स ऑफ बेल्जियम, वेलोनिया, फ्लेमिश. अब यहाँ पे वेलोनिया में, यहाँ पे है फ्रेंच स्पीकिंग, इन वेलोनिया फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग 40%. वेलोनिया रीजन, डच स्पीकिंग 59%. ये वन मार्क में बन जाने हैं कितने क्वेश्चंस. अब यहाँ पे अगर गलत हो जाए, पहचान कैसे रखनी है, एफ एफ साथ में नहीं है. अगर आपका एफ एफ साथ में आ जाए, देखना के सोचना ये गलत है. मींस फ्लेमिश में डच है, फ्लेमिश में फ्रेंच नहीं लिख देना, बस ये बात याद रखना. टू रीजन्स वेलोनिया एंड फ्लेमिश. देयर वॉज एथनिक वेरिएशन, 40% फ्रेंच स्पीकिंग कहाँ रहते थे, लिव्ड इन, एंड 59% डच स्पीकिंग इन फ्लेमिश रीजन. अब रह गए 1% जर्मन स्पीकिंग, वो कंट्री में ही रहते थे, उनका कोई ऐसे वो नहीं था, इन द होल कंट्री जर्मन स्पीकिंग. तो दिस वॉज द एथनिक वेरिएशन, ये 100% हो गया होगा. देखो एथनिक वेरिएशन ऑफ द बेल्जियम, तो ये है कंट्री की. कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स मैंने अभी बोला है. इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स देयर वाज स्ट्रेंज केस,
80% वहां पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे, कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। ये ब्रुसेल्स में ऐसे था। इट मींस कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग दे वर इन माइनॉरिटी, वेयर एज इन कैपिटल सिटी फ्रेंच स्पीकिंग दे वर इन मेजोरिटी। इतना बताना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बन जाना है। फ्रेंच स्पीकिंग वर इन माइनॉरिटी इन कंट्री कैपिटल सिटी, कहाँ पे ये आपको बताना चाहिए। डच स्पीकिंग वर इन माइनॉरिटी इन कैपिटल सिटी, क्योंकि डच स्पीकिंग यहाँ पे देखो सिर्फ 20% है, तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब वाइल गिविंग राइट्स, बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया, अर्लियर दे गेव ऑल राइट्स टू फ्रेंच स्पीकिंग बिकॉज फ्रेंच स्पीकिंग वर रिच पावरफुल, तो उन्होंने जो जो राइट्स, जो जो हायर फैसिलिटीज, एजुकेशनल आप कह सकते हो सीट्स, वो सब इनको दे दी फ्रेंच स्पीकिंग। दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई डच स्पीकिंग, तो देयर वर क्लैशेस, बट बेल्जियन लीडर्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाई फॉलोइंग एन अकोमोडेशन पाथ। विच पाथ दे फॉलोड, पूछा जा सकता है, विच पाथ वॉज फॉलोड बाई बेल्जियन लीडर्स, मेजोरिटेरियनिज्म, अकोमोडेशन, विच पाथ, अकोमोडेशन पाथ। इन्होंने पावर्स शेयर की, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने 4 times कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। ईयर्स आपसे पूछ लेने हैं, 1972 लेके 1993, हाउ मेनी टाइम्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स, प्रो 1972, ये भी ऑप्शंस रॉन्ग दे के आपको पूछा जा सकता है कि बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन दीज ईयर्स, नीचे ईयर्स देके आपको बाकी सारे रॉन्ग देके ये करेक्ट देके पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो द ईयर्स 1972 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स, ये भी पूछा जा सकता है, 2 times 5 times 4 times, ठीक है, सारे 1 mark क्वेश्चंस है। तो अमेंडमेंट की 4 times, एंड अब ये अमेंडमेंट में जो बना वो आपके सब्जेक्टिव में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन के जैसे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी टू फ्रेंच स्पीकिंग इन कंट्री दो दे वर इन माइनॉरिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी टू डच स्पीकिंग इन कैपिटल सिटी दो दे वर इन माइनॉरिटी, यहाँ पे तो वो सिर्फ 20% है बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू बोथ, वहां पे इक्वल दे दी। एंड दे सेटअप थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, इन्होंने थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेटअप की, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। एंड इन 1993 बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री बन गया 1993, क्योंकि पावर्स उन्होंने सेंटर एंड स्टेट के साथ शेयर कर ली, एंड बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री, कौन सी कंट्री बन गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां पे है, बेल्जियम, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन बेल्जियम, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन बेल्जियम, एंड बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री इन विच ईयर, 1993 में उन्होंने अपनी पावर स्टेट के साथ सेंटर ने पावर शेयर की थी, लोकल गवर्नमेंट सेटअप की थी, तो बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री इन 1993। तो दिस इज अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम फॉलोड विच पाथ, हाउ मेनी टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, 4 times, years आपको पता होनी चाहिए, 1972 1993, उनके एथनिक वेरिएशन पता होनी चाहिए, परसेंटेज हाउ मच परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग लिव्ड इन वेलोनिया, आपको पूछा जा सकता है वेलोनिया रीजन, हाउ मच परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग लिव्ड इन कैपिटल सिटी, ऐसे ही डच के बारे में पूछा जा सकता है। हु आर इन माइनॉरिटी इन कंट्री, कंट्री पूछा मैंने, कंट्री परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग डच इन कैपिटल सिटी, यस 20%, परसेंटेज ऑफ जर्मन स्पीकिंग ओनली 1%। तो विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेट अप इन बेल्जियम, तो आप बताओ, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। एंड इन विच ईयर बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री, 1993, विच पाथ बेल्जियम फॉलोड, अकोमोडेशन पाथ, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स,
नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए, स्मॉल कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यूरोप। तो ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस मैंने इस लेसन को 1 मार्क में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को हम श्रीलंका को करते हैं, श्रीलंका भी 1 मार्क में आना है। तो श्रीलंका के लिए भी आपको वैसे ही लर्न करना, सबसे पहले तो श्रीलंका की आपको पता होनी चाहिए फ्रीडम कब मिली उसे, इन विच ईयर श्रीलंका गोट फ्रीडम इंडिया के 1 साल बाद। तो ये कभी भी गलत नहीं होएगा अगर आप ऐसे लर्न करोगे। श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। श्रीलंका को 1948 में फ्रीडम मिली। अब श्रीलंका में भी डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते थे। अब श्रीलंका में कैसे कैसे डिवीजन थी, 74% सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला इज लैंग्वेज, तमिल। अब तमिल फर्दर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल। अपने आप देख लो 18 हो जाएगा, श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल, पहले तो इतना लर्न करो। श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948, वहां पे भी एथनिक वेरिएशन थी, 74% सिन्हाला स्पीकर्स, 18% तमिल। तमिल वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, श्रीलंकन तमिल कितने परसेंट थे, 13% एंड इंडियन तमिल वर 5%। तो ये तो होगी पहले इतनी। अब 7% थे क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियंस, 1% मुस्लिम्स, काउंट कर लो ये 100 हो जाएगा। सो दिस इज द डिवीजन इन श्रीलंका, काउंटेड 100 हो गया होगा। 74% सिन्हाला स्पीकर्स, 18% तमिल, 7% क्रिश्चियंस, 1% मुस्लिम्स। तमिल की फर्दर डिवीजन आपको बता होनी चाहिए, 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल मीन्स वो वहीं पे रहते थे, इंडियन तमिल मीन्स माइग्रेट होके इंडिया से श्रीलंका गए थे। तो दिस इज अबाउट द डिवीजन ऑफ, यहाँ आप कह सकते हो डाइवर्सिटी जो थी श्रीलंका में वो ऐसी थी। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, ये और देखो जल्दी, दे पास्ड एन एक्ट इन 1956। श्रीलंकन गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट इन 1956। अब जो जो चेंजेस किए इसके अकॉर्डिंग करते गए, एक्ट ईयर पता होना चाहिए, करेक्ट ईयर ऑफ दिस एक्ट। श्रीलंकन गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट इन 1956 एंड दे फॉलोड मेजोरिटियनिज्म। जैसे मैंने बोला बेल्जियन लीडर्स फॉलोड अकोमोडेशन पाथ, श्रीलंका वालों ने क्या फॉलो किया, मेजोरिटियनिज्म। मेजोरिटियनिज्म का मीनिंग क्या होता है, व्हेन मेजोरिटी डोमिनेटेड द माइनॉरिटी, जब मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट करे उसे हम क्या कहते हैं, मेजोरिटियनिज्म। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजोरिटियनिज्म अडॉप्ट किया। अब इन्होंने क्या क्या किया, पास्ट एक्ट इन 1956, फॉलोड मेजोरिटियनिज्म। अब इन्होंने क्या किया, ऑल राइट्स, ऑल हायर जॉब्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ऑल गिवन टू सिन्हाला स्पीकर्स, सब कुछ सिन्हाला को दे दिया क्योंकि ये मेजोरिटी में थे एंड गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटियनिज्म, सबको डोमिनेट कर दिया क्योंकि ये माइनॉरिटी में, ये मेजोरिटी में, तो गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटियनिज्म, मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को डोमिनेट किया एंड सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जब हिंदी बनी थी पता है ना, तो तमिल के ही लोगों ने, तमिलनाडु के लोगों ने ही वायलेंस क्रिएट की थी इंडिया में भी। इंडिया में 1965 में प्रॉब्लम हुई थी जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था, हमारे फ्रेमर्स जो थे वो एग्री करके तमिल के लोगों के साथ, क्योंकि तमिल के लोगों ने, तमिलनाडु वालों ने बोला था विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे फ्रेमर्स मान गए क्योंकि उन्होंने श्रीलंका का सारा सीन देखा हुआ था कि श्रीलंका में इतनी सी बात के लिए सिविल वार हुई थी, कितने लोग मरे थे। तो अवर फ्रेमर्स दे वर वेरी वाइज एंड दे अग्रीड विद तमिल, तभी हमारा काम, हमारी कंट्री का काम हिंदी एंड इंग्लिश में होता है एंड स्टेट्स का काम उनकी स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश है, पता है ना। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया, आगे जाके इसको भी पढ़ना है।
तो सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, विच लैंग्वेज बिकेम सिन्हाला, क्योंकि उन्होंने सबको इग्नोर किया. एंड बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इनका रिलीजन था बुद्धिज्म. सिन्हाला सारे बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन. इंडिया का कोई मेन रिलीजन नहीं है ना, श्रीलंका आप जाओगे आपको बुद्धिज्म मिलेगा. बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ द कंट्री. इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन ऑफ द कंट्री. वन मार्क क्वेश्चन है, विच इज द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका. विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज बाय सिन्हाला लीडर. सिन्हाला. तो इन्होंने सब कुछ अपने लिए किया. दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल. ये बातें तमिल से टॉलरेट नहीं हुई. एंड दे डिमांडेड दैट विद सिन्हाला तमिल शुड ऑल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज. इन्होंने कहा कि आप तमिल को भी ऑफिशियल बना दो. बट श्रीलंकन लीडर्स दे फॉलोड मेजोरिटेरिज्म एंड दे डोमिनेटेड तमिल, इग्नोर्ड देम. उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी. सो देयर वर क्लैशेस बिकॉज दे फॉलोड मेजोरिटेरिज्म. बेल्जियम में भी क्लैशेस हुए थे, बट जब गवर्नमेंट ने क्या फॉलो किया था, अकोमोडेशन पार्ट, तो क्लैशेस सॉल्व हो गए थे. वी आर एज इन श्रीलंका, वो क्लैशेस सॉल्व नहीं हुए. अब तमिल वालों ने ईलेम मांगा. ईलेम, ईलेम मीन्स सेपरेट स्टेट फॉर तमिल्स. तमिल डिमांडेड ईलेम. ईलेम का मतलब क्या है? सेपरेट स्टेट फॉर तमिल्स. तो ड्यू टू दिस, क्योंकि इनके क्लैशेस बढ़ते गए, ड्यू टू दिस देयर वॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड. अब श्रीलंका में सिविल वॉर हुई. नो व्हाट सिविल वॉर? व्हेन देयर इज वॉर बिटवीन पीपल ऑफ द सेम, वॉर बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द पीपल ऑफ द सेम कंट्री. जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों में, एक ही कंट्री के लोगों में वार हो जाए, दैट इज नोन एज सिविल वार. एंड दिस सिविल वार, ये वार कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? दिस वार वॉज हेल्ड इन श्रीलंका. सिविल वार वॉज हेल्ड इन श्रीलंका. श्रीलंका में सिविल वार हो गई बिकॉज गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म. अब मैं आपसे पूछू, विच पाथ इज बेटर, अकोमोडेशन और मेजोरिटेरियनिज्म? अकोमोडेशन, क्योंकि उसमें क्लैशेस होके भी कैसे पीस मेंटेन कर ली बेल्जियन लीडर्स ने. तो इसके बाद आपके आ जाते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. जैसे मैं पूछू पीपल ऑफ, आपके क्वेश्चंस हैं हाउ पावर्स आर शेयर्ड, तो पहले तो है ऑर्गन्स. अगर मैं पूछू हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स, हॉरिजॉन्टल का मतलब बताओ, नीचे लिखा हो लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, या फिर ऑर्गन्स, कुछ भी लिखा हो, हॉरिजॉन्टल वर्ड देके आपको पूछ ले, तो आप किसको टिक लगाओगे हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल किसको टिक लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में? इतना याद रखना, ये ओ आर सेपरेट कर लो. ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कभी भी गलत नहीं होएगा. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर मीन्स पावर्स आर शेयर्ड बाय, अब नीचे लिखा हो डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आप किसको टिक लगाओगे? यहाँ पे ओ आर याद रखो, ऑर्गन्स. यही मैं पूछू वर्टिकल, इसको याद रखो. लेवल्स, वर्टिकल लेवल्स, हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स, वर्टिकल ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड बच्चे के ऑर्गन्स इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट हो गया, देन तो जीरो है. ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड, अब मैं पूछू लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. टू कंट्रीज बताओ वेयर पावर्स आर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंडिया एंड बेल्जियम. इंडिया में क्यों? बिकॉज सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. तो हमारी गवर्नमेंट ने पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ क्या शेयर की हुई है? पावर. बेल्जियम में कैसे? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेट अप इन, दैट वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो हम कहेंगे कि इस बेस पे टू कंट्रीज मैंने बोली हैं, वेयर पावर्स आर गिवन शेयर्ड विद द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंडिया एंड बेल्जियम. अगर मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर की कोई एक कंट्री एग्जाम्पल दो, इंडिया. सब की एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है? इंडिया.
इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हर तरह की पावर शेयरिंग इंडिया में पाई जाती है, ठीक है, पावर शेयर बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया, बिकॉज इन इंडिया वी हैव कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का होना मीन्स हैंड ज्वाइन करके पार्टीज बनती हैं, तो इट मीन्स इंडिया में पावर शेयर्ड है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में ऑर्गन्स है, इंडिया में लेवल्स है, इंडिया में पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंडिया इज एन एग्जाम्पल। बट यहाँ पे बेल्जियम भी एग्जाम्पल है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, एक्सेप्ट इंडिया पूछ सकते हैं, ऐसी कंट्री बताओ जहाँ पे सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर है, इंडिया के अलावा बताओ, फिर कौन सी है नीचे ऑप्शन में से, बेल्जियम, तो फिर आप बेल्जियम को टिक लगाओगे। तो नेक्स्ट, इसके बाद आपका जैसे आपको पूछा जाए कि लेवल्स में पावर इक्वली शेयर्ड है कि ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स की पावर्स बैलेंस्ड हैं, अनलिमिटेड पावर्स किसी भी ऑर्गन के पास नहीं है, वेयर एज हम लेवल की बात करें तो सेंटर की तो पावर्स बहुत ज्यादा है, वो 97 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना रहा है, स्टेट तो कुछ 66 पे बना रही है, सारी रेजिस्ट्री पावर कौन इंजॉय कर रहा है, सेंटर। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि ऑर्गन्स की पावर्स जो है ना दैट आर बैलेंस्ड, नो अनलिमिटेड पावर्स आर गिवन टू एनी ऑर्गन। कहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक है, वेयर इज सिस्टम ऑफ चेक, ऑर्गन्स और लेवल में, ऑर्गन्स, वेरी गुड, ऑर्गन्स में, बिकॉज जजेस ऑफ जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, जजेस जो है उन्हें अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, प्रेजिडेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, प्रेजिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जजेस ऑफ जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। किस में मैं बोलूं कि पावर्स आर, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, और ऑर्गन्स में है कि लेवल्स में है, सेपरेशन ऑफ पावर है लेवल्स में, लो ऑर्गन्स में है, ऑर्गन्स में सेपरेशन ऑफ पावर है, क्यों, क्योंकि एक ऑर्गन लॉ बना रहा है, एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, उस सेकंड वाला बनाता नहीं है, इम्प्लीमेंट करता है, थर्ड वाला ना तो इम्प्लीमेंट करता है ना ही वो सिर्फ चेक करता है कि वेदर द लॉज आर प्रॉपरली फॉलोड बाई पीपल और नॉट, तो मीन्स देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, हर एक का अलग अलग काम है, वेयर एज लेवल में तो एक ही काम है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट के लिए बनाती है, अगर सेंटर अपने टैक्सेस कलेक्ट करती है लोगों से तो स्टेट भी कलेक्ट करती है, ठीक है, दोनों के ही काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, वो लो लेवल पे कर रहे हैं, वो हाई लेवल पे कर रहे हैं। कहाँ पे मैं बोलूँ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, लेवल्स में हम कहेंगे पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, कहाँ पे, ऑर्गन्स में, पावर्स आर बैलेंस्ड, ऑर्गन्स, सिस्टम ऑफ चेक इज देयर, ऑर्गन्स, और अगर मैं बोलूँ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, वो तो क्लियर है लेवल्स, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऑर्गन्स, वर्टिकल मीन्स सोशल ग्रुप्स, इंडिया एंड बेल्जियम, कौन सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए किसी ने बोला, आपको इसमें से वन मार्क ढूंढने हैं कि ये क्वेश्चन इसमें से वन मार्क में कन्वर्ट होके आ सकता है, आपको लर्न थोड़ा करने के लिए बोला कि इसको हॉरिजॉन्टल को लर्न करो, वर्टिकल को लर्न करो, आपको सिर्फ वन मार्क प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ना है कि हाउ टू प्रिपेयर वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक।